भरतपुर का बयाना कस्बा पर्यटन के लिहाज से उपेक्षित रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बयाना को कुदरत और इतिहास ने खाली हाथ रखा है। अरावली की इन हरी भरी पहाड़ियों के बीच विजय मंदिरगढ़ एक ऐतिहासिक किला है। इतिहासकारों का दावा है कि 14 वर्ग किलोमीटर में फैला ये दुर्ग एशिया का सबसे बड़ा किला है। इसी किले के साथ ये अपुष्ट तथ्य भी जुड़े हैं कि ये बाणासुर राक्षस की नगरी है। दावा ये भी है कि विजय मंदिरगढ़ 3री सदी में बना हुआ दुर्ग है। इतिहासकार डॉक्टर शैलेंद्र कुमार गुर्जर ने इसे धरोहर करार दिया है। बयाना ऐतिहासिक धरोहर है। कहते हैं कि एशिया का पहला, एशिया का नंबर एक का किला है ये। 14.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और विश्व का दूसरे नंबर का किला है। लेकिन 14.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बयाना से लेके बैर तक ये पहाड़ियों पर इसकी बाउंड्री हुआ करती थी। जो राजा महाराजा में इस शिव मंदिर के नज़दीक बिल्कुल भीमलाट है, जिसपे ब्रह्मलिपि से लिखा हुआ है। इतिहासकारों ने कहा है कि विश्ववर्धन नामक एक राजा था जिसने तलहटी में यज्ञ किया था। उसके बाद महाराजा विजयपाल ने इसको ऊपर लाकर विजय स्तंभ के नाम पर स्थापित कर दिया। भीमलाट के बिल्कुल अपोजिट साइड में एक मुंडेरा सतफेरा है। उस मुंडेरा सतफेरा पर एक दीपक प्रज्वलित हुआ करता था, जो इस मुंडेरा सतफेरा से बिल्कुल तिम्बनगढ़ किले तक वो आप शांति का प्रतीक हुआ करता था। यदि दीपक जल रहा है तो बिल्कुल शांति है, अन्यथा दीपक नहीं जल रहा है तो कहीं ना कहीं युद्ध का प्रतीक हुआ करता था। जहां तक नजर जाती है पहाड़ियों पर प्राचीरों के भग्न अवशेष नजर आते हैं। इन सुनसान ऐतिहासिक गलियारों में चहलकदमी करते हुए आपको एहसास होने लगता है कि आप द्वापर युग या फिर इतिहास के किसी कोने में पहुंच गए हैं। हैरानी की बात है कि पौराणिक महत्व के इस किले को पर्यटन केंद्र के तौर पर कभी प्रमोट नहीं किया गया। उसी थोड़ा सा आगे चलेंगे तो लेफ्ट साइड में सीढ़ियां जा रही हैं, करीब नीचे 4-5 गेट हैं, तलहटी की तरफ जा रही हैं। वो तलहटी सीधी बावड़ी है और बावड़ी से आप सीधे निकलेंगे तो एक करीब काफ़ी मोटी दीवार है किले के चारों तरफ। वहाँ पर भी एक गेट है और बावड़ी है सबसे बड़ी। उस बावड़ी की आज तक कोई गहराई नहीं ना पाया, कहते हैं कि काफ़ी गहराई है। कुल मिलाकर भरतपुर के बयाना कस्बे से वैर तक फैला ये विशाल विजय मंदिरगढ़ अपने अंक में इतिहास को समेटे हुए है। द्वापर युग की इस धरती पर अगर आप पर्यटक के तौर पर आएं, तो शायद टूरिज्म का एक अलग अनूठा और आनंददायक अनुभव होना तय है। ETV भारत के लिए भरतपुर से श्याम वीर सिंह की रिपोर्ट।